आप चिंता मत करिए प्लीज। पम्मी मासी सिर्फ मेरी मासी नहीं, मेरी माँ है। और दादाजी और दादी माँ मेरी माँ की बात नहीं टालेंगे। Come in. क्या कहा मैंने मासी? क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं आपसे माफी मांगती बहन जी, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन बोला दीदी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे कुछ सुनने को राजी नहीं है। मुझे माफ कीजिए, वेरी सॉरी बेटी, सॉरी आशा, वेरी सॉरी। आंटी जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। हमारे खानदान में तानी माँ जो कहती है उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मैं माफी मांगता हूं। बेटे हौसला रखो, प्लॉट लेके कुछ अगर बनाया जाए तो मुझे लगता है कि इट बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। दादाजी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बेटा घर पे जाके बात करेंगे। घर पे खन्ना फैमिली सिर्फ बिजनेस की बातें किया करते हैं। ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ मासी रो रही थी। क्यों? मैं समझ गया कि आप और दादाजी मेरे और मोहिनी की शादी के खिलाफ हैं। मैं मोहिनी से शादी नहीं करूंगा। देखो बेटा, हम जो कुछ कर रहे तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। मैं जानता हूँ दादी माँ, इसलिए आज से मैं आपकी मर्जी या शान के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोहित से शादी नहीं करूं तो मैं नहीं करूंगा। तुमने फैसला कर लिया? जी हाँ, अगर मैं मोहित के साथ शादी नहीं करूंगा तो किसी के साथ शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी से शादी भी कर लूं तो वो लोला की तरह हो सकती है ना। अंकल जी, मोहिनी की मम्मी मोहिनी। नमस्ते बेटा, मैं करण खन्ना हूँ और ये मेरा परिवार है। बेटा मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ।
कि ये प्यारी सी बिटिया हमें दान में दे दो। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मोहिनी आप ही की बेटी है, जाओ। जीते पुत्र, जीते दादी तेरी। आपके बुआ ससुर जी, आपके बड़े ससुर जी। अरे तू क्या, बड़ी सास है तुम्हें तो आशीर्वाद है। मम्मी, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का मुझे जवाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। तू गम ना कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। तू गम न कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। जाएंगे कभी ये साए काली रात के, सिमट ही जाएंगे कभी ये साए काली रात के, सिमट ही जाएंगे कभी ये साए काली रात के। कभी तो अपने आंगनों में आफताब आएगा, कभी तो अपने आंगनों में आफताब आएगा। तू गम न कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। शौक से मगर
बुलाओ शौक से मगर मुझे बुला रहे हो तुम, बुलाओ शौक से मगर मेरा ख्याल आएगा तो बेहिसाब आएगा, मेरा ख्याल आएगा तो बेहिसाब आएगा। तू गम ना कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। तू गम ना कर ऐ जिंदगी के इनकलाब आएगा, मेरे हर एक सवाल का मुझे जवाब आएगा। आशु क्या कर रहा है, चल यहाँ क्यों खड़ा था तू? हाँ आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। तो बोलना क्या बात है। जब देखो मॉर्निंग वॉक में पकड़ लेता है बात करने के लिए। क्या हुआ? घर पे कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ बिजनेस की बातें होती है ना। आपके पास टाइम है? टाइम है पूछता है, बोल। मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, पर्सनल। मोहिनी के बारे में? नहीं। हाँ फिर? मासी मैं पापा के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि बच्चों को बड़ों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए, स्पेशली पर्सनल मामलों में। लेकिन मासी मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और मैं इतना तो जानता हूँ कि पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। आशु मासी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ प्लीज़। मैं जानता हूँ कि पापा ने बहुत गलतियाँ की, उनमें बहुत सी कमजोरियाँ हैं, लेकिन अगर आप उनका साथ देंगे ना तो वो बदल जाएंगे मासी। मैंने कब साथ नहीं दिया तेरे पापा का आशु, बल्कि वही मुझसे दूर भागते रहे। देख बेटा मुझे तो लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं है। That's not true, मासी। आप तो जानते हैं कि पापा के साथ क्या हुआ है, उनका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस सब कुछ टूट चुका है। बस आप अगर उनका साथ देंगे ना तो बिल्कुल बदल जाएंगे मासी। देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपना फैसला मुझे अभी सुनाइए, लेकिन अगर हो सके तो प्लीज इसके बारे में सोच लेना प्लीज। मासी प्यार इंसान को बदल देता है मासी, पापा भी बदल सकते हैं, वो भी खुश हो सकते हैं मासी। मम्मी कैसी हो? मम्मी अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक ही हूँ। नताशा कैसी है? पता नहीं, मुझसे मिलते नहीं। डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद तो नहीं मिला, लेकिन तुमने तो वो पेपर्स फाड़ दिए थे। पेपर फाड़ने से हकीकत नहीं बदली,
आनंद जी कैसे? पता नहीं, अंकल जी की फर्म ज्वाइन करने के बाद मैं उनसे मिली नहीं। वैसे मिलने की कोई वजह भी नहीं थी। आनंद जी अच्छे आदमी है। हाँ, दुनिया में बहुत सारे अच्छे आदमी हैं। तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं, वैसे भी सोचा हुआ कहाँ सच होता है। रोज जिंदगी जिस रूप में आती है जी लेती हूँ। सब मेरी गलती है, सब मेरा दोष है। ना मैं तुम्हें पा सका और ना ही मैं तुम्हें बुला सका। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? तो खाना नहीं खाया? हाँ मासी, अगर मैं जिंदगी में किसी को माँ कहना चाहता हूँ तो सिर्फ आप हैं। और अगर आप नहीं मानती हैं, और अगर पापा को आपकी वजह से कुछ हो जाए तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगा।